हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिहारी ट्रेडिशन की बहुत ही पुरानी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हर बिहारी घर में ज़रूर तैयार होती है, ये बिल्कुल कुकीज़ जैसी होती है और इनका नाम है निमकियाँ। तो चलें बनाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। तो जी, निमकियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैदा हम यहाँ पर 2 कप जितना लेंगे और उसे अच्छे से छान लेंगे। मैदा छानने से मैदा लाइट वेट हो जाता है और उससे जो भी हम निमकियाँ तैयार करेंगे वो बहुत ही खस्ता तैयार होंगी। जब मैदा अच्छे से छन जाएगा तब हम उसमें 1 टीस्पून जितना कलौंजी के दाने शामिल करेंगे, साथ ही बेकिंग पाउडर और नमक शामिल कर लेंगे। फिर इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। जब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम खस्ता निमकियों का सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो है मेल्टेड घी या बटर। वो 3 टेबलस्पून जितना हमें डालना है और फिर इसे मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करना है, कहीं पे भी कोई लंप सा ना बने। बहुत ही अच्छे से इसे घी को हम मैदे में मिक्स कर लेंगे। ये करने से निमकियाँ बेहद खस्ता तैयार होंगी, तो इसे स्किप नहीं करना। इसके बाद पानी से हम आटा दरमियाना सा गूंद के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे पानी डाला है, तकरीबन 1 कप जितना पानी मुझे लगा है इस आटे को गूंदने में। आटा हमें बिल्कुल वैसा ही गूंदना है जैसा हम घर में रेगुलर चपातियाँ बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह का उतना ही सॉफ्ट आटा हमें गूंदना है। जब आटा गूंद जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका कितनी सॉफ्टनेस, सॉफ्ट आटा गूंदा है। यहाँ पे इस इतना सॉफ्ट आटा है बिल्कुल वैसे ही जैसा कि चपातियों का होता है। इसके बाद हम आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर निमकियाँ बनाएंगे। अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस आटे को मैंने निकाला है मैदे को और इसमें थोड़ा सा ड्राई आटा, ड्राई मैदा लगाकर इसे रोल करूँगी। बहुत इजीली यहाँ पे ये रोल होगा, इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुश्क आटा मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अच्छा सा ये हम रोल कर लेंगे। तकरीबन 1/2 इंच जितना हमें इसे रोल करना है कि इसकी थिकनेस 1/2 इंच जितनी हमें मिले। अब यहाँ पे देखें, ये रोल हो गया है, ये तकरीबन 1/2 इंच इतना ही हमें इसको थिक रखना था। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो हम जो पहले किनारियों को कट करके निकाल लेंगे ताकि हमें एक स्क्वायर फॉर्म सा डो बन जाए और फिर उन्हें हम थिन स्ट्राइप्स में कट करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा ऊपर नीचे के हैं ये मैंने साइड में निकाल के रख रही हूँ, इन्हें मैं वापस रोल करके दोबारा से इसी तरह से स्ट्राइप काटूँगी। वेस्ट कुछ भी नहीं करना है, तो जो भी हम कट के अलहदा करेंगे उसे वापस से रोल करके दोबारा से इसी तरह एक उंगली की जितनी थिकनेस रख के स्ट्राइप काटेंगे। और इस तरह सारी पूरी डो को मैंने स्ट्राइप में यहाँ पे कट कर लिया है। इसके बाद मैं इन्हें डायमंड शेप में कट करूँगी। तो बस स्लांट सा शेप देते जाएंगे और ये खुद ही डायमंड शेप में आती जाएंगी। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी इजीली दे दें, लेकिन बिहारी ट्रेडिशन में इसे मैंने हमेशा ही डायमंड शेप में देखा है और मुझे ये पसंद भी है, तो मैं यहाँ पर इसे डायमंड शेप ही दे रही हूँ। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लग रही है। तो जो बाकी की भी डो मैंने साइड में अलहदा कट की थी पहले एजेस, मैं उसे भी रोल करूँगी और फिर सबको मैं इसी तरह से डायमंड शेप दूँगी और सारी निमकियों का शेप मोर और लेस एक जैसा ही होगा, ताकि वो आखिर में सारी कुक होगी बिल्कुल एक जैसी लगें।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा एक जैसा ही शेप आ रहा है। तो बस जी, सारी निमकियों को हम कट कर लेंगे और फिर हम ऑयल गरम करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। अब ऑयल इतना गरम हो कि हमारी फिंगर 1 से 2 सेकंड के लिए उसमें रह सकती हो। इसके बाद एक एक करके हम इन निमकियों को इस ऑयल में डालेंगे। एक साथ हम सारा बल्क नहीं डाल देंगे, वरना ये आपस में चिपक जाएंगी और फिर अच्छी से फ्राई नहीं होंगी। तेल में डालने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद कि निमकियाँ खुद ही ऊपर आ जाएंगी सरफेस पे। देखिए, यहाँ पर ये सरफेस के ऊपर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इन्हें चमचे की मदद से चलाएंगे। उससे पहले हमें चमचा नहीं चलाना जब तक कि ये सरफेस पे नहीं आती। अभी भी ये सॉफ्ट हैं, इन्हें हमें कुकीज़ जैसा हार्ड फ्राई करना है। तो लो फ्लेम के ऊपर हम इन्हें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे आके चमचा चलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, ताकि इन निमकियों में इक्वल कलर आए। मुस्तकिल खड़े होकर चमचा नहीं चलाना, 7-8 मिनट बाद आके चमचा चला देंगे। अब यहाँ पर निमकियों में हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हुआ है। तो जी, अब हमें निमकियों को थोड़ी सी अटेंशन देनी है, कि बहुत पेशेंस का काम है। 20-25 मिनट आपको लगने हैं इसको फ्राई करने में। तो जी, यहाँ पे देखिए निमकियों में कलर आना स्टार्ट हो गया है। और जब इनका कलर थोड़ा सा डार्क होगा, जिसे हम बादामी कलर कहते हैं, उस वक्त हम इन्हें निकालेंगे ऑयल से। मुझे यहाँ पे 2-3 मिनट और चाहिए ताकि थोड़ा सा और डार्क कलर आ जाए, फिर मैं इन्हें ऑयल से बाहर निकालूँगी। यहाँ पर निमकियों को मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि वो इवनली कलर आए निमकियों पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे निमकियों पे इवनली कलर आ रहा है। ये ऑयल में थोड़ी सी लाइट कलर की लगेंगी और जब हम प्लेट में निकालेंगे तो इनका कलर थोड़ा सा डार्क लगेगा। तो जी, जो प्लेट में कलर आया ना, हमें यही बादामी कलर चाहिए। यहाँ पर निमकियाँ छान लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। उसके बाद हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में उसे 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हैं। और शाम में गर्मा गर्म चाय के साथ, सुबह नाश्ते में या दिन में किसी भी वक्त हम इसे खा सकते हैं। बेहद मज़ेदार सी बिहारी निमकियाँ तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।